आनंद गोष्ठी संस्था और ग्लोबल फाउंडेशन के सहयोग से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आयोजन शुरू होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम को एक सप्ताह तक मनाया जाएगा। आपको बता दें कि यह एक गैर राजनीतिक संस्थाएं हैं, हमेशा समाज की सेवा के लिए आगे रहती हैं और अपना महत्वपूर्ण सहयोग देती हैं। वहीं संस्था द्वारा इंदौर की गरीब बस्तियों में जाकर काढ़े का वितरण भी किया जाएगा। आनंद गोष्ठी संस्था के साथ मिलकर दिल्ली के ग्लोबल फाउंडेशन और नवीन पथ के चेयरमैन ने देश के कई शहरों में काढ़े का वितरण किया है और 2 लाख से ज़्यादा पैकेट्स बांटे हैं। इस सेवा को आगे बढ़ाते हुए डाबर इंडिया के इम्यूनिटी बूस्टर रियल फ्रूट पावर का वितरण किया जा रहा है। दिल्ली और मुंबई के बाद अन्य शहरों में अभी 3 लाख लीटर से ज़्यादा इम्यूनिटी पे का वितरण किया जा चुका है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 तारीख को मनाया जाएगा और उसी के निमित्त हमने ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, कोविड सुरक्षा सप्ताह मनाने का फैसला किया है। गैर राजनीतिक संगठन हमारा आनंद गोष्ठी, हमने पहले कोविड सुरक्षा के लिए लॉकडाउन से लेकर और अभी तक हम काढ़े का वितरण कर रहे हैं। हमने नगर में लगभग 40,000 से ज़्यादा काढ़े के पैकेट बांटे, कुछ होम्योपैथी की दवाइयाँ भी बांटी। इंदौर में 1 से 1.5 लाख हम ये पाउच, ये 1 से 1.5 लाख छोटी बोतल ये हम बांट रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और इस कोरोना संक्रमण से बचने के पूरे उपाय का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स, इंदौर। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।